दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट हैं जो अपने बताना चाहते कि उनको धात नाम बीमारी होती है। क्या होता है, देखो कि पहले जान धात होता क्या है। क्या होता है कि सारे लड़के लोग हर उम्र के जब भी सोते हैं तो क्या सोचते हैं, कल ये काम करना है, कल वहाँ जाना, पहले पहले ही सुनते हैं। उसके फिर क्या सोचते हैं, लड़की बारे में, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड बारे, गर्लफ्रेंड नहीं है तो किसी और बारे सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं। तो जिस तरह लड़की सोच के लिंग में उत्तेजना आती है, हमारे अंदर पेट के अंदर पेशाब थैली से प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वहाँ पर चिकनाई इकट्ठा होती है। वही आप पे जब भी पेशाब करने जाते हो तो पेशाब के साथ निकल सकता है, पेशाब के पहले निकल सकता है, लैट्रिन जो लाइन लैट्रिन के साथ निकल सकता है, बीच में एकदम ऐसा चिपचिपा पानी निकलेगा, वाइट वाइट निकलेगा, और कभी थोड़ा कभी ज़्यादा निकल सकता है। डिपेंड कितना देर सोचा आपने। और मान लो आधा घंटा सोचते रहे तो ज़्यादा निकलेगा, 5 मिनट सोचे कम निकलेगा, पर जितनी देर सोचोगे उतना चिकनाई इकट्ठा होगा, उतना निकलेगा। नहीं सोचते नहीं, अकेले ही निकल जाता है वो। रात को गर्लफ्रेंड बारे में कितना सोचा आपने, कितनी देर बात की आपने, मान लो लड़के गर्लफ्रेंड बात की आपने और वीर नहीं निकाला तो चिकनाई अंदर इकट्ठा, वो फिर वही निकलेगा दिन में। तो जितना ज़्यादा निकला चिकनाई धात तो उतना आपने सेक्स बारे में लड़के को सोच रहे हो वहाँ पे, कि कोई बीमारी नहीं होती है। आप जान लो, सुन लो, जो वीर होता है हमारे गोली टेस्टिस के अंदर, वीर एक वॉल्व से दरवाजा बंद होता है, जब तक हम पीक नहीं पहुँचेगा, जब वीर निकलता है तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, नहीं वो जो वीर जब निकलता है वो नहीं, वो मज़ा आता है। अगर बिना उसके निकल रहा तो वीर नहीं है, ये चिकनाई है, धात है। जिस तरह हम लोग ये सेक्स टाइम में सोच समय इकट्ठा हो तो वही निकलता है, ये बीमारी नहीं होती है। कितना निकले, ज़्यादा निकलने में तो तुम्हें सेक्स इच्छा ज़्यादा है, तुम ज़्यादा सेक्स सोच रहे हो, ये कोई बीमारी नहीं होती है, कोई कमजोरी आती है। लोग शादी के बाद एक ही दिन चार चार पाँच पाँच सेक्स करते हैं, खूब ही रोज निकालते हैं, उसको कमजोरी नहीं आती है। जहाँ जलने की बात होती है, जहाँ तुम देखो सफ़ेद निकल रहा, मेरा माल निकल रहा, तुम टेंस हो जाते हो। हमें कभी निकलता हम टेंस नहीं, हमें पता कि बायोलॉजी की तरह बीमारी नहीं होती है। तो दोस्तों धात को बीमारी, नियम हकीमों ने बीमारी बना रखा है, डरो मत, निश्चिंत होकर रहो, बीमारी नहीं होती है।